दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। आज काशी विश्वनाथ परिषद को ऐसा बना दिया गया है जिसकी प्रतीक्षा ये मंदिर करीबन 350 सालों से कर रहा था, लेकिन फिर भी ये अधूरा है। जब भी आप यहाँ जाएं तो आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसे देखकर आपको ये लगेगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे सैकड़ों सालों से छुपाया जा रहा है। अब जब आप यहाँ आएंगे तो नंदी की मूर्ति आपको ज्योतिर्लिंग की तरफ नहीं बल्कि यहाँ आसपास में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ एक टक देखती हुई नजर आएगी। आखिर मंदिर की मूर्ति का मुख मस्जिद की तरफ क्यों है? आखिर क्या है ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मौजूद 100 फीट शिवलिंग का रहस्य? आखिर क्यों चीनी यात्री हेन सांग ने 7वीं सदी में यह कहा था कि उसने काशी में एक 100 फीट का शिवलिंग देखा था जिस पर गंगा की धारा हमेशा गिरती रहती है? और क्या ये काशी शहर पूरी तरह से उन्नत था? इन सारी बातों को जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या आप जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक 100 फीट का शिवलिंग दबा पड़ा है? काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि यहाँ अगर कोई भी इंसान एक बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले तो यहाँ मौजूद पवित्र गंगा में स्नान कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से प्रदर्शन का केंद्र रहा है। इसे समय समय पर कई मुस्लिम शासकों द्वारा ध्वस्त किया गया और उनमें अंतिम शासक था औरंगजेब। मंदिर की वर्तमान संरचना महारानी अहिल्याबाई द्वारा 1780 में करवाई गई थी और इसका प्रवर्धन 1983 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको बाबा विश्वनाथ के पास एक मस्जिद दिखाई देगी जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद का ऊपरी ढांचा आम मस्जिद की तरह दिखता है, लेकिन मस्जिद के नीचे की दीवारों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक प्राचीन मंदिर की दीवार है जिस पर इस मस्जिद को बाद में बनाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो इस मंदिर को कई बार लूटा गया और आखिरी बार इसे औरंगजेब ने लूटा और इसे नष्ट करके यहाँ मस्जिद बनवा दिया। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा विश्वेश्वर का अंतिम ज्योतिर्लिंग 100 फीट का था। वो आज भी इस मस्जिद के नीचे मौजूद है। और आपको बता दें कि हिंदू संगठन द्वारा इस मस्जिद के नीचे बाबा विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मामला कई बार कोर्ट में ले जाया गया, परंतु ये मामला बार बार अटकता गया। लेकिन हाल ही में कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी परिसर के पुरातत्व सर्वेक्षण का आदेश दे दिया है और रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। इस आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई और ऐसा कहा गया कि यहाँ पहले कोई मंदिर नहीं था और इस मस्जिद के नीचे कोई शिवलिंग नहीं था। किंतु दोस्तों, जब आप समय से थोड़ा पीछे जाएंगे, लगभग 7वीं सदी में, तब आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आपका भ्रम पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तब आप भी ये सोचेंगे कि ये काशी तब क्या था और इसे आज क्या बना दिया गया। डॉक्टर A.R. आर्कटेकर, जो कि इतिहासकार पुरातत्व यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख थे, उनकी किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में उन्होंने चीनी यात्री हेन सांग का जिक्र किया है। चीनी यात्री हेन सांग जब 7वीं सदी में काशी आए थे तब उन्होंने देखा कि काशी बहुत ही उन्नत शहर था। यहाँ के लोग शिक्षा वाणिज्य में बेहद उन्नत थे। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि उन्होंने काशी विश्वनाथ में एक 100 फीट का शिवलिंग देखा जिसके ऊपर माँ गंगा की धारा हमेशा गिरती रहती है। जरा सोचिए उस वक्त की काशी और आज की काशी में कितना अंतर है। जरा सोचिए उस वक्त लोग 100 फीट पिंड का दर्शन रोज किया करते थे और माँ गंगा स्वयं इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक हर वक्त किया करती थी। काशी विश्वनाथ उस वक्त काशी के मुख्य आकर्षण और केंद्र थे। यहाँ पर आध्यात्म, विज्ञान और वाणिज्य बहुत ही अच्छी तरीके से फल फूल रहा था। लेकिन काशी को ग्रहण लगा और बाहर से आए कुछ हिंदू विरोधी और कट्टर लोगों ने इस मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया और यहाँ पर एक मस्जिद का अवैध निर्माण कर दिया। अब हमारे भारत के कुछ लोग कहेंगे कि आखिर वो मस्जिद प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है, इसका क्या प्रमाण है? तो दोस्तों, जब आप इस मंदिर में जाएंगे
तो आपको नंदी की प्राचीन प्रतिमा दिखाई देगी, जिसका मुख आज के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ नहीं है बल्कि मस्जिद की तरफ है, जो अपने आराध्य ज्योतिर्लिंग की प्रतीक्षा में सदियों से एकटक देख रही है। दोस्तों, आपको क्या कहना है काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।